गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए, मैं घर पर आ चुकी हूँ और अभी फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, फिर नाश्ता करने बैठे हैं। भूख भी बहुत लगी है तो फटाफट से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं रुक नहीं पाती हूँ, इसीलिए। तो चलिए फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, चाय करते हैं और फिर नाश्ता करने बैठते हैं। राहुल आ रहे हैं, वो दूध लेने गए हैं, तो बाद में आपसे मिलवाती हूँ। चलिए, अभी हम नाश्ता करने बैठ चुके हैं, तो दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या है और राहुल से भी मिलवाती हूँ। हेलो राहुल। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरे बिना कैसा लग रहा था इतने दिन? सुना। कितने दिन हो गए? शायद मंगलवार से आती ना आप, सोमवार को जो आप काम पर गए थे तब तो मैं थी, मंगल, बुध, गुरु, आज शुक्रवार, 3 दिन हो गए। आज तो मैं यहीं पर हूँ, कल फिर से चली जाऊंगी। चला लेंगे ना? नहीं मजा था मेरे बिना। अकेला अकेला लगता है, कल का ही दिन है, फिर घर पर ही होंगी मैं। जी क्या परसों बीच है ना? बीच है ना, आपको नहीं आना दर्शन करने, मुझे तो जाना है ना। आप अपने नींद पूरी कर लेना, क्योंकि वो भी जरूरी है, फिर अगले दिन मंडे को आपको सुबह जाना है, इसीलिए आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, अब अपना खुद का व्लॉग देख लेना। ओके, तो चलिए, आज का हमारा नाश्ता है बुद्धि माँ की भेल और चाय, गाठिया और मुरमुरे राहुल निकाल रहे हैं, और इसमें है गर्मा गर्म रोटी। चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तो मैं अभी जाकर किचन में आई हूँ। सुबह में मैं थोड़ी देर लेट गई थी और फिर कपड़े वॉश करके मैं फिर से लेट गई थी, क्योंकि मेरे बैग में अभी भी बहुत सारा पेन है। कल हम क्लिनिक पर नहीं जा सके, इसलिए अभी कल दिखेंगे अगर जा सकेंगे तो। तो चलिए, अभी फटाफट से मैं किचन में आकर आ गई हूँ, तो खाना बना लेती हूँ और फिर राहुल को खाएंगे हम, वो गर्मा गर्म खाना खाएंगे। आज मैं बनाने वाली स्पेशल, मेरे फेवरेट राजमा चावल, तो चलिए बनाते हैं राजमा चावल। चले, तो मेरा सारा खाना नहीं बना है अभी तक। क्या बात कर रहे हैं बाबा, चावल और रोटी बन चुके हैं और राजमा मैं अभी बस बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी रेसिपी दे देती हूँ मेरे सिंपल से राजमा की, जो कि क्या कहते हैं, राजमा या किसी और मसाले की उसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो घर में मसाले होते हैं उसी मसालों से मैं बनाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए और कौन कौन से मसाले चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने लिए हैं बॉइल्ड वाले राजमा, मैंने बॉइल कर लिए, रात को नहीं, आप रात को सोख करके ले सकते हैं, मैंने सुबह सोख कर रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ, 4 बज चुके हैं तब मैं बना रही हूँ, और सुबह मैंने 9 बजे भिगोए थे गर्म पानी में। और तड़के के लिए हम लेंगे 1 बड़ा प्याज, 1 टमाटर की प्यूरी और थोड़ा सा जीरा, और ये है खड़े मसाले, और ये है गर्म मसाला, और इसमें है लाल मिर्च, और इसमें है हल्दी। देखिए मैं सब कुछ गिरा रही हूँ, और इसमें है धनिया पाउडर। तो चलिए फटाफट से हम तड़का लगाते हैं, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाँ हमें ऑयल चाहिए होगा, दैट्स इट, और बाकी ये सर। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, और एक नमक, नमक मेरा वहाँ है। तो ये देखिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया हूँ, अभी डालेंगे इसमें जीरा और हमारे खड़े मसाले, और अभी इसमें कट लेंगे क्योंकि जो लौंग होते हैं ना वो छटकते हैं राई की तरह, इसलिए। तो चलिए, अभी ये जो लौंग है ना हमारे, वो अच्छे से फूल जाए ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। तो ये देखिए मेरे लौंग इसमें हो चुके हैं, अभी डाल देंगे इसमें हमारा अनियन, और अभी अनियन को थोड़ी देर के लिए हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और उसके बाद हम डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट, क्योंकि मैं बताना भूल चुकी हूँ, तो वो भी चाहिए होगा, और कुछ नहीं चाहिए हम, अभी से थोड़ी देर तक हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूलेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे लहसुन की पेस्ट, थोड़ी देर तक हम अदरक लहसुन की पेस्ट है ना उसको भी भूनेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन का जो स्वाद होता है ना वो निकल जाए, और अच्छा सा स्वाद है इसके लिए। तो
अभी हम इसमें डाल देंगे हमारी टमाटर की प्यूरी और मसाले दोनों में एक ही साथ डाल देंगे, दोनों को एक ही साथ पका दूंगी ताकि इसमें से ऑयल ना निकल जाए। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे हम और अच्छे से इसे भून लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला चले ना। वैसे मैंने प्यूरी साथ में डाल दी है, इसे हमारे साथ चलेंगे नहीं और अच्छे से भून जाएंगे। तो ये देखिए हमारे मसाला का बेल छोड़ दिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉइल्ड राजमा, पानी के साथ ही डाल देंगे और थोड़े से हम करछी से ना उसको मैश कर देंगे थोड़े थोड़े से, तो वो अच्छे से गाढ़ी पड़ गई। टमाटर सारा ना होना तो ऐसा करना चाहिए, तो ग्रेवी है ना वो थोड़ी ठीक बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना, अभी हम इसमें नमक डाल देंगे। लास्ट में नमक मैंने डाल रहा है, आप सब चाहे तब डाल सकते हैं, मैं अभी लास्ट में डाल रही हूँ। हो चुके हैं हमारे राजमा रेडी, अब इससे 5 मिनट का हमें बॉईल देना है, उसके बाद हम इसमें गर्म मसाला डाल देंगे और थोड़ी देर इसे ढक देंगे, ऐसे ही फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मेरे राजमा अच्छे से उबल चुके हैं, अभी गैस की फ्लेम को करते हैं हम ऑफ और हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला। हो गया, अभी थोड़ी देर तक इसे ढक देंगे, तो हम सारा अपना खाना अंदर लेते हैं और राहुल को उठाते हैं क्योंकि हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो चलिए राहुल को उठाते हैं और सारा खाना हम रूम में लेकर जाती हूँ मैं और फिर राहुल को उठाती हूँ, तब तक उसे सुन लेते हैं। चलिए खाना अंदर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी प्लेट एकदम से रेडी है, तो चलिए अभी खा लेते हैं गर्मा गर्म राजमा चावल साथ में नींबू वाले प्याज। चले तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और राहुल रेडी हो चुके हैं, उनका टिफिन भी मैंने रेडी कर दिया है, बस अभी थोड़ी देर में जा ही रहे हैं। चलिए उनको सी ऑफ कर देते हैं और मैं आज किचन साफ़ करने में लग गई, तो अभी तक मेरे बर्तन बाकी हैं, बाकी का सारा मैंने किचन का इधर से उधर कुछ सामान किया और सेट सारा किया और बर्तन अभी मैं कर रही हूँ, तो राहुल चले जाएंगे उसके बाद बाकी के बर्तन मैं कर दूँगी। चलिए राहुल को छोड़ देते हैं पहले। ये रहे राहुल। हेलो राहुल, रेडी हो चुका है उनका टिफिन और ये रहा मेरा एक बच्चा, दूसरा बच्चा पता नहीं कहाँ। देखिए राहुल से डर रहा है। राहुल आपने उस दिन डराया था ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसा चिल्ला कर क्यों बात करती हूँ। मैंने चिल्लाया था पर चिल्लाया था मैंने, पर आप कर क्या रहे थे वो बताइए, आप कर क्या रहे थे? मालूम नहीं, इनको भगा रहे थे, मैं नहीं भगाती, राहुल भगाते रहते ना, इसीलिए इनसे डरते हैं। मेरे तो अच्छे खासे मेरे फ्रेंड बन चुके हैं मेरे बच्चे, इसलिए जब भी दरवाजा खोलो आकर सामने बैठ जाते हैं। ये रहे राहुल, आज कचरा भी फेंकना था क्योंकि हम लेट आए तो कचरे वाले चला गया, इसीलिए राहुल कचरा भी लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ नहीं रह रहा, ध्यान से जाना, धीरे, जय श्री कृष्ण, बाय, सी यू, सुबह मिलेंगे। क्या हुआ, धीरे जाना। ये राहुल चले गए हैं और गाय और बछड़े सारे देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हे क्या कर रहे हो? मक्खियों के साथ खेला जा रहा है, वो खाने की चीज नहीं है बेटा। बिस्किट खानी है आपको? खानी है बिस्किट? ये ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए आपको? वैसे मैं ट्रीट वीट ऐसा कुछ देती नहीं हूँ, बिस्किट ही मेरी ट्रीट होती है और उसको खानी है, इसीलिए अभी ये सब बताया। देखिए सारी हरकतें मुझे पता है इसकी। तो ये रहा मेरा बिस्किट का बॉक्स, चलिए 2-3 खिला देते हैं ताकि वो
देखिए आप, मुझे सब कुछ सफाई करनी है। अभी खिला देती हूँ उसको पहले, फिर सफाई कर देती है कि नहीं है। तो ये देखिए इसको दे दी है, मैंने 40 बिस्किट दी है, बाकी की बाद में दूंगी। चले तो आरती भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी फटाफट से मैं काम करता शाम की पूजा वगैरह फिर कर लेती हूँ। रूम का काम बाद में करूँगी, पहले किचन समेट कर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद रूम का काम करूँगी। 3 दिन से मैं घर पर थी नहीं, मैं तब सुबह ही थी, तो सुबह किचन का और कपड़े वगैरह का सब कुछ काम करके मैं फिर चली चली गई, इसीलिए रूम की क्लीनिंग आज मुझे करनी है और सारा सामान इधर उधर पड़ा है। कल भी मुझे जाना है तो कल भी मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज ही सारा कुछ क्लीन करना है, तो इसलिए फटाफट से इसको क्लीन कर देते हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है डन, और दोबारा से मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ। कपड़े भी मुझे चेंज करने पड़े क्योंकि वो बर्तन मैंने आज बाहर नहीं किए, सिंक में किए ना, इसलिए सारे गीले हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहा कर चेंज ही कर देती हूँ, तो फिर मैंने चेंज भी वेस्ट कर दिया और अच्छे से नहा वहा कर सारा काम फिनिश कर कर फिर मैं फ्री हो गई हूँ। तो अभी चलिए बैठते हैं आराम से, और कुछ काम तो है नहीं, और अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दूंगी। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।